स्वागत है दोस्तों आप सभी का भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये तीसरा वनडे मुकाबला और तीसरे वनडे मुकाबले में भारत को जीतने के लिए 30 गेंदों पर 57 रन चाहिए और सामने बल्लेबाजी कर रहे ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में। तो क्रिकेट के चाहने वाले लोग सभी लोग इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। भारत की टीम को जीतने के लिए 30 गेंदों पर 57 रन चाहिए। चलिए गेंदबाजी करने के लिए मौत तैयार है। यहाँ पे बेनपोर्ट सामना करेंगे ऋतुराज गायकवाड़, देखना होगा शुरुआत किस तरह से करेंगे ऋतुराज गायकवाड़। पहली गेंद बेनफोर्ड की, सामना करेंगे ऋतुराज गायकवाड़। पहली गेंद पे बड़ा शॉट, इसी के साथ सीधी गांव ने बॉलर के सर के ऊपर से इस बार छक्का यहां पे मिलता हुआ 116 मीटर का छक्का बेनफोर्ड की ओवर में। पहली गेंद पे छक्के के साथ शुरुआत इस मुकाबले की, कमाल की बल्लेबाजी यहां पे ऋतुराज गायकवाड़ की इस मुकाबले में। शुरुआत अच्छी की है, आगाज अच्छा है इस मुकाबले में। बड़ा मुकाबला भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तीसरा वनडे मुकाबला। भारत को जीतने के लिए 29 गेंदों पर 51 रन चाहिए। चलिए सामने बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़, पहली गेंद पे छक्के के साथ शुरुआत। दूसरी गेंद सामने की तरफ खेला, इस बार भी गैप में है गेंद, बेहतरीन शॉट सामने की तरफ, कवर ड्राइव लगाते हुए यहां पे ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से एक और चौका यहां पे देखने को मिला है। कमाल की बैटिंग ऋतुराज गायकवाड़ इस मुकाबले में, शुरुआत अच्छी की है इस मुकाबले में। एरन फिंच लगातार यहां पे फील्डिंग चेंज करते जा रहे हैं। दोस्तों भारत को जीतने के लिए 47 रन चाहिए 28 गेंदों पर। चलिए 10 रन का स्कोर हो चुका है भारत का, दो गेंदों पे 10 रन ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से आए अभी तक। यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे हैं। चलिए क्रिकेट के चाहने वाले लोग इस बड़े महासंग्राम मुकाबले में आप सभी का स्वागत है, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच में। चलिए अगली गेंद, एक और अच्छा शॉट, इस बार कट किया ऑफ साइड की दिशा में, सिंगल लेने का प्रयास, लेकिन बल्लेबाज वहां पे ऋतुराज गायकवाड़ मना करते हुए यशस्वी जायसवाल को, क्योंकि सिंगल नहीं लेना है, यहां पे एक बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी। 27 गेंदों पे 47 रनों की जरूरत है इस मुकाबले में। चलिए अगली गेंद का सामना करेंगे ऋतुराज गायकवाड़, एक और अच्छा शॉट, इस बार भी कट किया है। दोनों ही बल्लेबाज तेजी की रफ्तार से दौड़ते हुए और सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। चलिए 26 गेंदों पे 46 रन चाहिए इस मुकाबले में भारत को जीतने के लिए। क्या यह मुकाबला भारतीय टीम जीत पाएगी या नहीं? यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है। चलिए सामने गेंदबाज बेनफोर्ड है, चार गेंदें डाली अभी तक, 11 रन दे दिए है इस बल्लेबाज ने। 26 गेंदों पे 46 रन चाहिए, तीसरा वनडे मुकाबला भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच में। पहली गेंद का सामना करेंगे यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में, देखना होगा बेनफोर्ड की अगली गेंद। जायसवाल के सामने फुल टॉस गेंद, बड़ा शॉट, इसी के साथ यहाँ पे सिंगल लेंगे दोनों ही बल्लेबाज और सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट होती है दोनों ही बल्लेबाजों की। बिल्कुल बढ़िया यहाँ पे बल्लेबाजी देखने को मिल सकती है। ये रोमांचक मुकाबला हो चुका है दोस्तों, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तीसरा वनडे मुकाबला। भारत को जीतने के लिए यहाँ पे 25 गेंदों पे 45 रन चाहिए इस बड़े मुकाबले में। चलिए ऋतुराज गायकवाड़ फिर से एक बार स्ट्राइक पर आ चुके हैं बड़े मुकाबले में और आज का मुकाबला ये यादगार रहेगा दोस्तों, इतिहास के पन्ने में लिखा जाएगा। 12 रन का स्कोर है यहाँ पे, 25 गेंदों पे 45 रन भारतीय टीम को जीतने के लिए चाहिए। चलिए बेनफोर्ड की ओवर की आखिरी गेंद, ऋतुराज गायकवाड़ के सामने एक और बड़ा शॉट हो सकता है, इसी के साथ ये बड़ा शॉट फुल टॉस को ऑफ साइड की दिशा में खेला है, गेंद हवा में है और इसी के साथ यहाँ पे छक्के के साथ ओवर को किया समाप्त ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से। बैटिंग बेखौफ अंदाज में ऋतुराज गायकवाड़ की होती हुई और तेजी की रफ्तार से गेंद डालने वाले खिलाड़ी है वो जो गेंदबाज है, लेकिन इनकी ओवर में भी आज छक्के लगाए हैं ऋतुराज गायकवाड़ ने। चलिए यहाँ पे रन रेट की बात है, रिक्वायर्ड रन रेट की तो 9.50 का रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए 24 गेंदों में 39 रन। सामने बल्लेबाज फिलहाल जायसवाल है मौजूद, 18 रन का स्कोर भारत का। पहली गेंद का सामना करेंगे यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में, देखना होगा किस तरह से खेलेंगे। यहाँ पे यॉर्कर डालने का प्रयास, सटीक यॉर्कर डालने का प्रयास गेंदबाज का, बेहतरीन गेंदबाज यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे ऐसी गेंदबाजी करेंगे तो भारतीय टीम के ऊपर प्रेशर ज्यादा बढ़ता हुआ। स्टैंकलैंड गेंदबाजी करने के लिए आया है, पहली गेंद यॉर्कर डाली है। चलिए जायसवाल तैयार है फिर से एक बार, एक और अच्छा शॉट खेल सकते हैं, लेकिन एक और यॉर्कर, कमाल की गेंदबाजी यहाँ पे स्टैंकलैंड के सामने, बेहतरीन गेंदबाजी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज के द्वारा। भारत को जीतने के लिए अभी तक 39 रन चाहिए, 23 गेंदों का सामना करते हुए बनाने हैं रन, और जायसवाल तैयार बिल्कुल इस बड़े मुकाबले में। आप सभी लोग क्रिकेट के चाहने वाले लोग तैयार हो जाइए इस बड़े मुकाबले में, 22 गेंदों पे 39 रन चाहिए भारत को जीतने के लिए। सामने बल्लेबाज जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ मैदान में मौजूद है। चलिए अगली गेंद फिर से एक बार, एक बड़ा शॉट हो सकता है यहाँ पे, एक और यॉर्कर डालने का प्रयास, लेकिन इस बार सीधा शॉट है सामने की तरफ, बॉलर के पास से निकलती हुई गेंद, एक और चौका यहाँ पे देखने को मिला यशस्वी जायसवाल के बल्ले से। कमाल की बैटिंग जायसवाल के द्वारा इस मुकाबले में,
और इस चौके के साथ यहाँ पे स्लैंकलैन को बता दिया है कि इस तरह से आज बल्लेबाजी होने वाली है और आज का यह मुकाबला हम जीतकर ही रहेंगे दोस्तों। इस बड़े मुकाबले में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच में आज का यह बड़ा मुकाबला, तीसरा वनडे मुकाबला खेला जा रहा है। भारत की टीम ने टॉस जीता पहले गेंदबाजी की और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने लगभग 60 रनों का टारगेट दिया है भारत के सामने। चलिए 21 गेंदों पे 35 रन चाहिए भारत को जीतने के लिए। सामने बल्लेबाज है जयसवाल और गेंदबाजी कर रहे हैं स्टैंकलैन। 22 रन का स्कोर हो चुका है भारत का। चलिए अगली गेंद का सामना करेंगे फिर से एक बार बल्लेबाज, क्या एक और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास करेंगे यहाँ पे जयसवाल। एक और अच्छा शॉट इसी के साथ लेग साइड की और इस बार भी फील्डर मौजूद नहीं वहां पे। एक और चौका यहाँ पे यशस्वी जयसवाल के बल्ले से। कमाल की बैटिंग यहाँ पे यशस्वी जयसवाल की इस मुकाबले में। इस बार लेग साइड की और गेंद बल्ले के साथ संपर्क हुआ है और बाहरी किनारा लेती हुई 4 रनों के लिए गेंद की है लेग साइड की ओर। दोस्तों 20 गेंदों पे 31 रन चाहिए भारतीय टीम को जीतने के लिए। 26 रन का स्कोर भारत का हो चुका है इस बड़े मुकाबले में। जयसवाल 9 गेंदों पे 5 रन पर खेल रहे और ऋतुराज गायकवाड 5 गेंदों पे 17 रन बनाकर खेल रहे। चलिए क्रिकेट के चाहने वाले लोग जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या यह मुकाबला रोमांचक मुकाबला हो सकता है। एक और अच्छी स्टैंकलैन की गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी, बाहर की तरफ से अंदर आती हुई गेंद लेकिन बिल्कुल समझ नहीं पाया यशस्वी जयसवाल इस मुकाबले में। आज का यह बड़ा मुकाबला, रोमांचक मुकाबला, बिल्कुल अच्छी गेंद डाली है। ये देखिए सीधी गेंद तेजी की रफ्तार से दौड़ते हुए आए गेंदबाज और ये देखिए बाउंसर लगाने की कोशिश, बिल्कुल अच्छी तरीके से डिफेंड किया है यशस्वी जायसवाल ने इस मुकाबले में और रन बिल्कुल यहां पे नहीं मिलेगा इस मुकाबले में। आज का यह बड़ा मुकाबला इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। 19 गेंदों पे 31 रन चाहिए भारत को जीतने के लिए। क्या यह मुकाबला भारत जीत पाएगी या नहीं, चलिए दोस्तों तैयार हो जाइए। 26 रन का स्कोर है भारत का। 19 गेंदों पे 31 रन चाहिए भारत को जीतने के लिए। जायसवाल के सामने ओवर की आखिरी गेंद स्टैंकलैन की। एक और यॉर्कर डालने का प्रयास, फिर से एक बार फुल टॉस गेंद को डिफेंड किया है यहाँ पे यशस्वी जयसवाल ने और इसी के साथ ओवर को किया समाप्त। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे 18 गेंदों पे लगभग रन चाहिए यहाँ पे 31। सामने गेंदबाजी करने के लिए नेथर कुंटन नायना है, गेंदबाजी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के सटीक गेंदबाज है और सामने बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़। 5 गेंदों पे 17 रन बनाकर खेल रहे इस मुकाबले में और पहली गेंद का सामना करेंगे। चलिए ऋतुराज गायकवाड़ पहली गेंद बल्लेबाज के सामने, फिर से एक बार गेंद डाली है। इस बार अच्छा शॉट है ऑफ साइड की दिशा में, पीछे फील्डर मौजूद होगा लेकिन यहाँ पे गेंद निकल जाएगी 4 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से, ऑफ साइड की दिशा में शॉट, पीछे फील्डर मौजूद था लेकिन गैप में गई गेंद और 4 रनों के साथ यहाँ पे इस ओवर में शुरुआत होती है इस मुकाबले में। बड़ा मुकाबला इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तीसरा वनडे मुकाबले में आप सभी का स्वागत है इस बड़े रोमांचक मुकाबले में। चलिए भारत को जीतने के लिए अभी भी बहुत सारे रन चाहिए। रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। 17 गेंदों में 27 रन भारत को जीतने के लिए, 30 रन हो चुके हैं भारत का स्कोर। चलिए ऋतुराज गायकवाड़ 6 गेंदों में 21 रन बनाकर खेल रहे इस मुकाबले में। अब दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल के ऊपर। फिर से एक बार नेथल कुंटर 9 की अच्छी गेंद, इस बार यॉर्कर डालने का प्रयास, बिल्कुल सटीक गेंदबाजी यहाँ पे। एक और अच्छी गेंद यहाँ पे नेथल कुंटर 9 की, देखना होगा अगली गेंद किस तरह से डालेंगे नेथल कुंटर 9। सामने बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़, एक और अच्छी गेंद डालने का प्रयास, एक और अच्छी गेंद, एक और बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पे लेकिन अंपायर का इशारा वन बाउंस है। बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे, बल्लेबाज को बिल्कुल हिलने नहीं दे। 30 रन का स्कोर है, 27 रन चाहिए भारत को जीतने के लिए 15 गेंदों पे। एक और अच्छी गेंद, इस बार भी फुल टॉस यॉर्कर डालने का प्रयास, ऋतुराज गायकवाड़ ने इस गेंद को डिफेंड किया है। चलिए नेथल कुंटर 9 इस बार बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, पहला गेंद पे चौका खाया था लेकिन उसके बाद यहाँ पे वापसी की है गेंदबाज ने। चलिए 27 रन चाहिए 15 गेंदों पे। एक और अच्छा शॉट हो सकता है, इस बार भी डिफेंड किया है बल्लेबाज ने, बिल्कुल अच्छा डिफेंडिंग यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ के द्वारा और अब गेंदबाजी बिल्कुल अच्छी हो रही है दोस्तों। भारत को जीतने के लिए 27 रन चाहिए 13 गेंदों पे, लगभग 12 से भी ज्यादा रन रेट हो चुका है इस मुकाबले में। क्या एक और अच्छा शॉट हो सकता है यहाँ पे, एक और अच्छा शॉट हो सकता है लेकिन इस बार सीधा सामने की तरफ शॉट, लेकिन सामने बल्लेबाज यहाँ पे रन नहीं ले पाएंगे और ओवर की समाप्ति होती हुई एंड्रू ट्राई गेंदबाजी करने के लिए आए दूसरे छोर से। चलिए दोस्तों यहाँ पे भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये तीसरा वनडे मुकाबला, 27 रन चाहिए भारत को जीतने के लिए 12 गेंदों पे। क्या ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में जीत पाएंगे या नहीं, चलिए एंड्रू ट्राई तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद डालेंगे यहाँ पे
यशस्वी जायसवाल के सामने। क्या एक और बड़ा शॉट हो सकता है? इसी के साथ यहाँ पे पहली गेंद बार की तरफ से अंदर आती हुई, बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पे गेंदबाज के द्वारा और बिल्कुल यहाँ पे रन नहीं मिलेगा इस गेंद के ऊपर। और एरन फिंच यहाँ पे बिल्कुल कप्तान खुश नजर आ रहे इस मुकाबले में। चलिए 11 गेंदों पे 27 रन भारत को जीतने के लिए, बड़ा रोमांचक और महामुकाबला होता जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे जयसवाल 6 गेंदों में 9 रन बनाकर खेल रहे, लेकिन एक अच्छा शॉट तो खेलना ही पड़ेगा। एक और वाइड यॉर्कर डालने के प्रयास, अच्छी गेंदबाज यहाँ पे बिल्कुल सटीक वाइड यॉर्कर डाला है यहाँ पे गेंदबाज के द्वारा और बिल्कुल बल्लेबाज को समझ में नहीं आया कि किस तरह से यहाँ पे इस गेंद को खेला जाए। चलिए अगली गेंद जयसवाल के सामने फिर से एक बार, एक और अच्छी गेंद, एक और यहाँ पे मिस होते हुए जयसवाल। प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आया दोस्तों भारतीय टीम के ऊपर। बिल्कुल यह बड़ा मुकाबला और इस बड़े मुकाबले में भारत को जीतने के लिए 9 गेंदों पे 27 रन चाहिए। क्या यह मुकाबला भारतीय टीम जीत पाएगी? एंड्रू टाई के सामने जयसवाल तैयार है इस मुकाबले में। क्या एक और सिंगल ले सकते हैं यहाँ पे इस मुकाबले में? एक और अच्छा शॉट है, इस बार फील्डर यहाँ पे पीछे मौजूद है, रन नहीं मिलेगा इस गेंद के ऊपर। बिल्कुल यहाँ पे जयसवाल रिस्क लेना नहीं चाहते दोस्तों यहाँ पे इस मुकाबले में। 8 गेंदों पे 27 रन भारत को जीतने के लिए। चलिए इस मुकाबले में भारत को जीतने के लिए 8 गेंदों पे 27 रन चाहिए। एक और बड़ा शॉट हो सकता है क्या इस मुकाबले में? इसी के साथ एक और अच्छा शॉट, पीछे फील्डर मौजूद, इस बार रन आउट का मौका और इसी के साथ यहाँ पे वापस जाना पड़ेगा ऋतुराज गायकवाड़ को। यहाँ पे पहला विकेट ऋतुराज गायकवाड़ का गिरता हुआ रन आउट के जरिए। बिल्कुल ये रन लेने की जरूरत नहीं थी और यहाँ पे प्रेशर भारत के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों इस मुकाबले में। क्या इस मुकाबले में भारत की हार हो सकती है? ये देखिए बहुत दूर थे ऋतुराज गायकवाड़ और रन नहीं लिया और जयसवाल ने बिल्कुल यहाँ पे रन आउट करवा दिया है ऋतुराज गायकवाड़ को इस मुकाबले में। ये देखिए बहुत दूर थे इस मुकाबले में और हैंड्सकॉम ने बिल्कुल कोई गलती नहीं की। ऑस्ट्रेलिया की टीम बिल्कुल यहाँ पे अच्छी तरीके से काम कर रही है इस मुकाबले में। तीसरा वनडे मुकाबला भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ये देखिए रन आउट बेहतरीन तरीके से हुआ है। ऋतुराज गायकवाड़ बहुत दूर थे इस मुकाबले में। चलिए आउट होकर वापस जाते हैं ऋतुराज गायकवाड़, 21 रन बनाए ऋतुराज गायकवाड़ ने। अब नए बल्लेबाज जो है बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरेंगे, संजू सैमसन आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। क्या भारत ये मुकाबला जीत पाएगी? राइट हैंड बल्लेबाज है संजू सैमसन, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जीतने के लिए भारत को 27 रन 7 गेंदों पे चाहिए। क्या यह मुकाबला जीत पाएगी भारतीय टीम? क्या ये बड़ा मुकाबला जीत पाएगी या नहीं दोस्तों? चलिए पहली गेंद का सामना करेंगे संजू सैमसन। इसी के साथ संजू सैमसन के बल्ले से अच्छा शॉट, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद, लेकिन 4 रनों के लिए शुरुआत होती हुई यहाँ पे इस मुकाबले में। बेहतरीन शॉट सिलेक्शन यहाँ पे संजू सैमसन का और चौके के साथ यहाँ पे शुरुआत इस ओवर में। ओवर को किया समाप्त, यहाँ पे मिचेल स्टोइनिस आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। देखना होगा किस तरह से गेंदबाजी करेंगे। 6 गेंदों पे 23 रन आखिरी की ओवर में 23 रन चाहिए भारत को जीतने के लिए। क्रिकेट के चाहने वाले लोग सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस बड़े मुकाबले में संजू सैमसन के बाद जयसवाल स्ट्राइक पर मौजूद है। चलिए 6 गेंदों पे 23 रन चाहिए इस मुकाबले में। पहली गेंद मार्कस स्टोइनिस की, सामना करेंगे यशस्वी जयसवाल। शुरुआत किस तरह से होगी? पहली गेंद बड़ा शॉट सामने की तरफ, सीधी हाथों में गेंद, लेकिन यहाँ पे फील्डर ने गलती की है इस मुकाबले में और कैच ड्रॉप किया है दोस्तों पहली गेंद पे। बहुत महंगा साबित हो सकता है यह कैच। पहली गेंद पे ही दोस्तों बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में यहाँ पे जयसवाल आउट हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे सीधी गेंद फील्डर के हाथों में जाती है, इसी के साथ यहाँ पे आउट नहीं हुए, कैच ड्रॉप हुई इस मुकाबले में। चलिए दोस्तों बेहतरीन मुकाबला होता जा रहा है, रोमांचक मुकाबला होता जा रहा है। 5 गेंदों पर यहाँ पे 22 रनों की जरूरत है भारत को जीतने के लिए। संजू सैमसन स्ट्राइक पर मौजूद है। मार्कस स्टोइनिस की अगली गेंद ओवर की, सामना करेंगे संजू सैमसन। इसी के साथ एक और अच्छा शॉट संजू सैमसन का, गेंद हवा में और 6 रनों के लिए गेंद के, इसी के साथ यहाँ पे एक और छक्का देखने को मिला है 146 मीटर का। मार्कस स्टोइनिस की ओवर में संजू सैमसन ने शुरुआत अच्छी की है। भारत को जिताना है इस मुकाबले में तो आज के मुकाबले में संजू सैमसन को ऐसे 2-3 छक्के लगाने पड़ेंगे इस मुकाबले में। कमाल की बैटिंग इस मुकाबले में दोस्तों संजू सैमसन के द्वारा इस बड़े मुकाबले में और देखना होगा किस तरह से यहाँ पे किया गया है। ये देखिए बड़ा शॉट खेला और संजू सैमसन ने बिल्कुल यहाँ पे छक्के के साथ यहाँ पे शुरुआत की है दोस्तों इस मुकाबले में। चलिए यहाँ पे जाकर गिरी है गेंद यहाँ पे इस मुकाबले में, बड़ा मुकाबला और इस बड़े मुकाबले में अच्छे अंदाज में शुरुआत हुई है। चलिए मार्कस स्टोइनिस तैयार है फिर से एक बार। 4 गेंदों पे 16 रन चाहिए भारत को जीतने के लिए। संजू सैमसन वापस यहाँ पे स्ट्राइक पर मौजूद है। 2 गेंदों पे 10 रन बनाकर खेलते इस मुकाबले में। एक और अच्छा गेंद हो सकता है यहाँ पे, शॉट अच्छा हो सकता है संजू सैमसन का। अच्छा शॉट फिर से एक बार गैप में, बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल की।
रन नहीं मिलेगा इस गेंद के ऊपर। फिर से एक बार प्रेशर बढ़ता हुआ भारत के सामने, एक और अच्छा शॉट सिलेक्शन, लेकिन यहां पर रन नहीं मिलेगा इस गेंद के ऊपर। चलिए यहां पे मार्कस स्टोइनिस अगली गेंद डालेगी, 16 रन चाहिए यहां पे 3 गेंदों पे। क्या ये मुकाबला भारतीय टीम जीत पाएगी? संजू सैमसंग तैयार है, 3 गेंदों में 10 रन बनाने हैं भारत को जीतने के लिए। संजू सैमसंग के सामने एक और अच्छा शॉट हो सकता है, एक और अच्छा शॉट, गेंद नीचे है, पीछे कोई फील्डर नहीं मौजूद, एक बार चौका जाएगा इस बार भी। बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पे संजू सैमसंग, मार्कस स्टोइनिस की ओर में बेहतरीन मुकाबला होता जा रहा है दोस्तों, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच में तीसरा वनडे मुकाबला। और तीसरे वनडे मुकाबले में भारत को जीतने के लिए बहुत सारे रन चाहिए थे, लेकिन संजू सैमसंग ने क्या शुरुआत की इस मुकाबले की, बेहतरीन और बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी। ये देखिए आप रिप्ले देखिए किस तरह से ये शॉट मारा है। चलिए अच्छा शॉट सिलेक्शन यहाँ पे देखने को मिला है, ये देखिए पीछे हटकर शॉट खेला लेग साइड की ओर, बिल्कुल अच्छा शॉट सिलेक्शन। और इसी के साथ यहाँ पे कमाल की बैटिंग नजर आ रही है दोस्तों संजू सैमसंग की। चलिए अब दोस्तों दो गेंदों पे 12 रन, 2 छक्के चाहिए दोस्तों, 2 गेंदों पे 2 छक्के लगाकर क्या भारतीय टीम यह मुकाबला जीत पाएगी? मार्कस स्टोइनिस तैयार है इस मुकाबले में, संजू सैमसंग के सामने तैयार है इस मुकाबले में। क्या एक और अच्छा शॉट हो सकता है? इस बार फुल टॉस गेंद लेग साइड की और ऑफ साइड की दिशा में डाली है, लेकिन रन नहीं दिया इस मुकाबले में, वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश, बिल्कुल अच्छी गेंद डाली है। भारत को जीतने के लिए एक गेंद पे 11 रन चाहिए, लेकिन मुश्किल नजर आ रहा है दोस्तों भारतीय टीम को यह मुकाबला जीतना। चलिए 46 रन का स्कोर है भारत का 1 विकेट के नुकसान पे। भारत को जीतने के लिए 11 रन चाहिए एक गेंद पे। क्या यहाँ पे जयसवाल जीता पाएगी यह मुकाबला? लेकिन मुश्किल है। इसी के साथ यहाँ पे सामने की तरफ शॉट, और इसी के साथ यह मुकाबला दोस्तों यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बिल्कुल अच्छी तरीके से जीत लिया इस मुकाबले में। बिल्कुल यहाँ पे 10 रन से यह मुकाबला जीता है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। कमाल की यहाँ पे बेहतरीन और बेखौफ अंदाज में मुकाबले की शुरुआत हुई थी अच्छी तरीके से, लेकिन दोस्तों यह मुकाबला बिल्कुल यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीता इस बड़े मुकाबले में। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच में यह तीसरा और यहाँ पे वनडे मुकाबले की शुरुआत हुई थी। आज का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बेहतरीन तरीके से जीता है, और आज जीतने के लिए 10 रनों से भारतीय टीम हारी है इस मुकाबले में। और आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना।